देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में वाहनों की लगातार बढ़ती संख्या और इससे होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को साप्ताहिक छुट्टी के दिनों में बदलाव करने पर विचार करने को कहा है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सरकार को यह निर्देश दिया है। बीते कुछ वर्षों से मुंबई में मोटर वाहनों की संख्या में 50% का इजाफा हुआ है, जिससे पैदल चलने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही जाम और पार्किंग की समस्या भी शहर के लिए आम हो गई है। एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एडवोकेट जनरल आशुतोष कुंभकर्णी को इन समस्याओं पर ध्यान देने के लिए कहा। सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच ने कहा कि शहर में मोटर वाहनों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन जमीन नहीं बढ़ रही है। साथ ही कोर्ट ने एडवोकेट जनरल से पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि आम लोगों को यह महसूस हो कि उनके लिए शहर में जगह नहीं है क्योंकि उनके पास गाड़ी नहीं है। वहीं आरटीओ पर तंज कसते हुए हाई कोर्ट की बेंच ने कहा कि वाहनों की संख्या को सीमित करने के बजाय आरटीओ की दिलचस्पी अपना खजाना भरने में ज्यादा है। बेंच ने सरकार से जितनी जल्दी हो सके वाटर ट्रांसपोर्ट के विकल्पों पर भी विचार करने का। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में वाहनों की लगातार बढ़ती संख्या और इससे होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को साप्ताहिक छुट्टी के दिनों में बदलाव करने पर विचार करने को कहा है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सरकार को यह निर्देश दिया है। बीते कुछ वर्षों से मुंबई में मोटर वाहनों की संख्या में 50% का इजाफा हुआ है, जिससे पैदल चलने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही जाम और पार्किंग की समस्या भी शहर के लिए आम हो गई है। एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एडवोकेट जनरल आशुतोष कुंभकर्णी को इन समस्याओं पर ध्यान देने के लिए कहा। सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच ने कहा कि शहर में मोटर वाहनों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन जमीन नहीं बढ़ रही है। साथ ही कोर्ट ने एडवोकेट जनरल से पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि आम लोगों को यह महसूस हो कि उनके लिए शहर में जगह नहीं है क्योंकि उनके पास गाड़ी नहीं है। वहीं आरटीओ पर तंज कसते हुए हाई कोर्ट की बेंच ने कहा कि वाहनों की संख्या को सीमित करने के बजाय आरटीओ की दिलचस्पी अपना खजाना भरने में ज्यादा है। बेंच ने सरकार से जितनी जल्दी हो सके वाटर ट्रांसपोर्ट के विकल्पों पर भी विचार करने का।